के अंदर क्या हुआ है, मैं चाहूंगा कि जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे अगर पहले दो शब्द आप बताएंगे, आप बताएं मुझे उतना बोलना नहीं आता प्लीज। देखिए इतनी देर तक जो हमने कलेक्टर साहब के साथ आप ही के वहाँ के छह सात लोग साथ में थे उनके साथ बैठे और हमने उनको कलेक्टर साहब को ये बताया कि 40-40, 50-50 साल से रहने वाले लोग और अचानक आकर आप कहेंगे कि नहीं अब ये खाली करना है, हमारे पास ताजमहल बनाने का है, तो ये फिर गरीब जाएंगे कहाँ पे। सवाल यही है कि 40 साल पहले क्या हुआ था, क्या कागजात थे, हमारे पास कागज है नहीं है, कैसा थे क्या थे, ये उसकी बात नहीं। बात यही है अगर वहाँ पर गरीब लोग इतने सालों से रह रहे हैं और आप उनको बोलेंगे कि नहीं अब आप वहाँ से हट जाइएगा सर, हम खाली करवाने वाले हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ, ये सबसे अहम सवाल है। और एक तरफ अगर हम ये बातें करेंगे कि नहीं हम गरीबों के साथ हैं, हम हर एक को घर दिलाना चाह रहे हैं और जो घर पे रह रहे हैं उनको बेघर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी है। और मैं समझता हूँ कि कलेक्टर साहब को ये बात समझ में आई है, आप ही के लोगों ने बहुत सारे पेपर्स कागजात ये बताए। कलेक्टर का खुद का कहना है कि BMC एक अलग डिपार्टमेंट है, BMC के अधिकारी ये बोलेंगे कि हमारी जगह है, ये हमारे क्वार्टर्स है और हमको इसका खाली करने का, लेकिन इसका फैसला जो है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लिया जाएगा और वो कलेक्टर लेवल के ऊपर लिया जाएगा। हमने मीटिंग के दौरान एक बात ये सामने आई कि जो लीगल लोग हैं, जो कानूनी तरीके से जिनको अलॉट हुआ था उनके लिए है तो उनको रेगुलराइज कर देकर, मैंने उस मीटिंग के अंदर कहा सिर्फ रेगुलर इरेगुलर की बात नहीं है, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं सबके साथ अक्षरशः कलेक्टर साहेबाचं बोलणं थांबून साहेबांनी सांगितलं की नाही जे राहतात आता सध्या ज्याला जे राहतात त्यांच्यासाठी व्हायला पाहिजे आणि त्यांनी ते मान्य केलं की बा ठीक आहे मी कोणालाही हात लावणार नाही। कलेक्टर साहेब बोले या तो बता दे हमारे को कि कल हथौड़ा चलाने वाले हैं तो हम आधे शहर को लाके यहाँ पे बिठा डालेंगे। लेकिन सवाल यही है अगर अभी तक नोटिस नहीं है क्या कि जो दिन तक खाली करना है, बगैर नोटिस के ये कर नहीं सकते हैं। मेरा यही कहना है अगर हमको नोटिस अगर मिलती है उसके बाद हम हमारा आंदोलन पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप लोग हैं तो 2-4-6 दिन आकर बैठे और वो पता चला है कि 1 महीना कुछ करने ही नहीं वाले हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं रहा। तो इस वजह से आप लोग पूरे जितने भी एरिया के लोग हैं वो एक मरतबा बैठे और बैठ के ये फैसला करें कि आज हमारे को बैठकर कुछ फायदा होने वाला है या हमारे को नोटिस मिलने के बाद हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी सर्दी के अंदर यहाँ पर बैठे और जब लड़ने की बात आई तो पता चला कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई थक गया है, कोई ये जिस दिन लड़ने की बात होगी उस दिन यलगार पुकारा जाएगा और पूरी ताकत। एक मिनट तो बोलते पुलिस वाले आए थे, हमने चोरी की है, डाले हुए हैं, हमने कौन सा ऐसा 2 नंबर का धंधा किए हुए हैं जो पुलिस फौज के साथ आएंगे। बात यही है कि उस वक्त जो BMC के ऑफिसर्स आए थे उनको इस बात का डर था कि हमारे को सर्वे करने देंगे या नहीं, इस वजह से पुलिस वालों को लेके आए थे। सर बिना नोटिस करने तोड़ेंगे ना, बगैर नोटिस के ये तोड़ ही नहीं सर, नहीं आपको नोटिस देना पड़ेगा उनको, आए तुम लीगल है इलीगल है तुम्हारा खाली कर दिया है तुम्हारे 8 दिन के अंदर ये खाली करो, तो बगैर नोटिस के ये करेंगे। और उसके बाद अगर ये है कि पुलिस आ रही है वो पुलिस आ रही है तो महिला शक्ति का है अस्त आता लोग तब पूरी ताकत के साथ अगर आके बैठेंगे आंदोलन करेंगे तो तब उसका ये रहेगा उसमें, वरना थाना की हालत ये रहेगी कि बोली कि मैं आप थक गई आप कितने देर से रहूंगी। नहीं सबके देखिए मतलब इसके अंदर